सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी केसी व्लॉग्स। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारा एक नया ट्रैवल चालू होने वाला है, तो होप आप लोग उसके लिए वेट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को नहीं पता होगा, भाई फॉलो कर लो। और यहाँ पे आ रहा है ना, आई बटन पे एक प्लेलिस्ट आ रही है और वो देखिए आप जाके ट्रिप मुंसियारी का, एंड मेरा रमता जो कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और अभी हम लोग एक ट्रिप चल रहा है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं ट्रैवल में हूँगा। जल्दी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो और रमता जोगी को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वाड बैटल। और क्वाड बैटल में रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, विंड ब्लास्ट, स्लिप स्ट्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राइडर वेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वो भी तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट हैं। और कौन कौन सी बाइक है हमारे पास, थंबनेल तो आपने देख लिया है, थंबनेल देख के ही आए होंगे मुझे पता है। यहाँ पे हमारे पास है हस्क्वर्ना विटपिलन 250, डोमिनर 250, R15 BS6 जो कि 150cc है, और हमारे साथ में है FZ25। एंड यहाँ पे क्या है ना भाई, 150cc ने भाई अलग ही मतलब रौला काटा हुआ है। और यहाँ पे हमने सबसे भारी वाले बंदे को सबसे तेज बाइक दी है, जो कि है हस्क्वर्ना विटपिलन, जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आ रहा है, जाके देख सकते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट में बढ़ने से पहले भाई साइड में प्राइस आ रहा है और इस साइड आ रहा है पावर, तीनों का कंपैरिजन आप लोग कर लीजिए। ये एक ऑन पेपर डिटेल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल में एकदम डिफरेंट होता है रिजल्ट, क्योंकि डिपेंड करता है राइडर के ऊपर एंड वेट के ऊपर, विंड ब्लास्ट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे परफॉर्मेंस टेस्ट में और आपको दिखाते हैं कि बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है। मुझे भी मतलब अभी नहीं पता है, मिलते हैं सीधे परफॉर्मेंस टेस्ट में। सो गाइज, अभी जैसा कि मैंने इंट्रो में सारी डिटेल बता दी आपको प्राइस एंड पावर के बारे में, तो हमारे पास कौन कौन सी बाइक है यहाँ पे, R15 है, BS4 हमारे पास है, FZ25 हमारे पास है, हस्क्वर्ना विटपिलन 250 और डोमिनर 250 BS6, दो BS6 हैं, दो BS4 हैं और एक 150cc की बाइक है। तो यहाँ पे हम इनका एक क्वाड बैटल करने जा रहे हो, परफॉर्मेंस आप लोग दिखाने वाले हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है। वेट अगर देखें तो वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, शुभम का 65 है, मेरा 85 है, इनका 99 है और भाई का भी 65 वेट है। तो यहाँ पे दो बंदे जो है ना बहुत हैवी हैं और अंकुल भाई हमारे बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो चलिए करते हैं ड्रैग और मैं चलाने जा रहा हूँ पहले एफजी, चेंज भी करेंगे ताकि हम लोग को एक रिजल्ट प्रॉपर पता चल पाए, ठीक है। तो चलते हैं, एफजी चलाता हूँ मैं एंड शुभम चलाएंगे 15। अंकुल को हमने सबसे तेज वाली बाइक दी है क्योंकि उनका वेट सबसे ज़्यादा है। चलो एफजी भाई भागती है यार, पिकअप एफजी में कम नहीं है, एफजी आगे आ कर दी एफजी ने। थोड़ा गड़बड़ हुआ था कंफ्यूजन की वजह से कि कौन हॉर्न देगा, डोमिनर और वो दोनों पीछे हैं, पांच गियर की वजह से ये पीछे हो जाएगी, नहीं तो ये भागती है बढ़िया। ये निकल गया देखो, R15 वाला निकल गया। ओ भाई लिमिटर आ गया इसका तो अब ये पीछे जाएगी, ये देखिए पीछे जाना चालू हो गया इसका। बस यहीं पे मात खा जाती है ये, 145 पे इसका लिमिटर आ रहा है। अब देखते हैं कहां तक पहुंचा सकते हैं इसको। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है एफजी यार।
पीछे नहीं है, लेकिन बस लिमिटर की वजह से इसकी बैंड बच गई। चौथे नंबर पे हूँ मैं। बट इसने स्टार्ट बहुत तगड़ा लिया था। बहुत तगड़ा स्टार्ट लिया था एफजी ने। मजा आ गई भाई, मजा आ गई। अभी हम चलाएंगे दूसरी बाइक और दिखाएंगे भोकाल। अब हम चलाएंगे R15। अब मैं चलाऊंगा R15, तुम चलाओ डोमिनर, ठीक है? और तुम चलाओ यही, इनको यही चलाने दो, इनको जीतने का मन है, ठीक है? तुम ये चलाओ, इनका सबसे ज्यादा वेट है तो हमने कहा तुम यही चलाओ, जीत लो भाई तुम। शुभम चला रहे हैं डोमिनर और मैं चला रहा हूँ R15, जो मतलब मेरी फेवरेट बाइक है। एंड अभिषेक भाई को हमने दे दी एफजी। यार देखा था कितनी तेजी से निकली थी, लेकिन जैसे लिमिटर आया ना पीछे, भाई निकल गई सब R15, लेकिन आखिरी में आएगी ना भाई, आखिरी में इसका ताकत आता है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब मैं दिखाऊंगा सबको अपना ताकत। डोमिनर निकल गई। टाइम और तेज, यस यस यामा, यस यस यामा, यस। अबे यार डोमिनर निकल गए यार इधर, अबे सब निकल गए। डोमिनर निकल गई, लेकिन मैं आगे निकल गया था यार। अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओ गजब। अरे भाई भाई मैं आगे आ गया था इससे, फिर तुम निकले हो। अरे मेरा पांचवे गियर पे लिमिटर हिट हो गया। मालूम है जैसे मैं क्या नाम विंड ब्लास्ट मेरे को पड़ा, मैं पीछे हो गया, तुम्हारे से आगे निकल गया था। अबे मजा आ गया। और डोमिनर तो वैसे भी आगे निकल गई थी। हाँ वो लॉन्च बहुत सही लॉन्च है इसका। तो भाई अब आप लोग ने रिजल्ट देख लिए और ये रेस को हम लोग बस यहीं खत्म करते हैं, बाकी रिजल्ट आप लोगों को बता दिया, कंक्लूजन में मिलते हैं सीधे स्टूडियो में। तो परफॉर्मेंस आपने देख ली, बहुत ही बढ़िया रही है। मैंने एफजी चलाई थी और एफजी चलाने के बाद आप लोग ने एक चीज फील की होगी, इनिशियल बहुत बढ़िया है, टॉप एंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में हस्कवर्ना बहुत तेजी से निकल गई, हालांकि हमने सबसे भारी बंदे को बैठाया था एंड उसके बाद थी एफजी। एफजी जब आगे निकली है ना 120 की स्पीड तक, लगभग 115 से 120 की स्पीड तक उसको कोई पीछे नहीं कर पाई। उसके बाद R15 आई, उसके बाद डोमिनार आई। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ना आप लोग ने देख लिया होगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। और जब राइडर चेंज किया तो मैंने R15 चलाई है और हस्कवर्ना
भाई हमारे जो सबसे भारी बंदे थे अंकुल भाई, उनने चलाई है और डोमिनार चलाई है हमारे शुभम भाई ने। तो यहाँ पे जो रिजल्ट था भाई, R15 ऑफिस की बात है बहुत पीछे जाने वाली थी। FZ ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, हस्कवर्ना ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बट शुभम भाई ने बहुत बढ़िया चलाया है क्योंकि उनका लाइट वेट था, पावर वाली बाइक मिली थी एंड हस्कवर्ना जो था वो सबसे भारी वाला बंदा चला रहा था एंड हेड टू हेड था। लास्ट में मैंने हस्कवर्ना को भी कैच कर लिया था, बट जब तक मतलब ख़त्म होता रेस तब तक मतलब रिजल्ट एकदम चेंज हो चुका था। हस्कवर्ना, डोमिनार एंड उसके बाद थी R15। तो ये परफॉर्मेंस हम लोगों ने की थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई और कोशिश की है कि आपको एंटरटेन कर सकें। बहुत लोग बोलते हैं भाई चिल्ला क्यों रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, भाई वो एंटरटेन करने के कर रहे हैं। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करते हैं आपको और बाकी साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं, क्योंकि सीधे परफॉर्मेंस दिखा देने में ना मज़ा नहीं है और इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाती है मेरे वीडियो में। तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ पे, मतलब तीन तीन चार चार बार शूट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।